श्री शिवाय नमः। एक काम करो, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन। शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान कर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे, एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता, जो 10 तारीख से चालू हुआ, 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव, 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है, तब 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, बामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर देखो, तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का,
और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इतर का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले, उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकते। कथा सुन रहे हो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर पीस कर उसका आनंद, उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा, पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध, दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ, वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था पर आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते हैं, आम के पल्लव को भी शिव बन। भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी, हथेनी में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल
काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाराज जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम ले, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव, ये शिवजी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता, कनेर का सुख प्रदान कर, आनंद दे, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। भ्यम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक काम करो, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है वो साधारण नहीं, दो गुप्त नवरात्र होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, दो गुप्त नवरात्र, एक गुप्त नवरात्र यही माघ के महीने में आता है जो 10 तारीख से चालू हुआ 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्र का बड़ा वर्णन किया, श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्र के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या
भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में दो शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में दो पार्थिव लिंग का निर्माण करें, दो पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव, दो स्वरूप दो लिंग प्रकट कर एक पर नौ पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प पांच समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को उन पुष्पों को विसर्जन कर किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्र, ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया था। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है, तब तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है हमारा। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल। बेल पत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें, उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकते। कथा सुन रहे हो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और सावधानी से सुनना, सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाए, कैसे पत्ते, जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं,
21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए, और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर पीस कर उसका आनंद, उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा, पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ, वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते हैं, आम के पल्लव को भी शिव बन। भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाराज जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम ले, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव, ये शिवजी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर
उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का सुख प्रदान कर, आनंद जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक काम करो, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन। शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान कर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे, एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, जो 10 तारीख से चालू हुआ 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं, अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव, 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें, और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है, तब
तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, परहा पुराण में, बामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें, उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकते। कथा सुन रहे हो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और सावधानी से सुनना, सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए, और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए, और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए, 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है, उस भस्म को छान कर पीस कर उसका आनंद, उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा, पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध, दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी
आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ, वो एक स्वस्तिक स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था पर आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते हैं, आम के पल्लव को भी शिव बन। भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करकर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाराज जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम ले, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव, ये शिवजी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगा, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता, कनेर का पुष्प सुख प्रदान कर, आनंद दे, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। भ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।